कांग्रेस लीडर और पंजाब कांग्रेस के साबिक सदर नवजोत सिंह सिद्धू की मुश्किलें आसान होने का नाम नहीं ले रही हैं। 34 साल पुराने रोड रेज के मामले में नवजोत सिंह सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल की सजा सुनाई है। तो रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की, हिंदुस्तान की निघत जरीन ने तारीख रकम की है। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में निघत ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। थाईलैंड की जिटपोंग जूतामास को 5-0 से शिकस्त दी है। वजीर दाखिला अमित शाह ने ट्वीट करके मुबारकबाद पेश की है और मुल्क को आपकी हुसूलियाबियों पर नाज है, अमित शाह का कहना है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, गोल्ड मेडल हासिल किया है निघत जरीन ने और हिंदुस्तान का जो रकबा है उसको बढ़ाया है। हिंदुस्तान की निघत जरीन ने तारीख रकम करते हुए वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल कर लिया है। तो थाईलैंड की जिटपोंग को 5-0 से निघत जरीन ने शिकस्त दे दी है और वजीर दाखला अमित शाह ने ट्वीट करके निघत को मुबारकबाद पेश की है और साथ ही साथ ये भी कहा कि मुल्क को आपकी हुसूलियाबियों पर नाज है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हिंदुस्तान का लहराया परचम। हिंदुस्तान की निघत जरीन ने तारीख रकम करते हुए वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया है। थाईलैंड की जिटपोंग से उनका मुकाबला हुआ था और थाईलैंड की जिटपोंग को 5-0 से निघत जरीन ने शिकस्त देकर ये गोल्ड मेडल हासिल किया है। तो वहीं इस कामयाबी पर वजीर दाखिला अमित शाह ने ट्वीट करके निघत को मुबारकबाद पेश की है, साथ ही साथ उन्होंने लिखा है कि मुल्क को आपकी हुसूलियाबी पर नाज है। तो बड़ी जीत हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान की निघत जरीन ने तारीख रकम की है, हिंदुस्तान का नाम ऊंचा किया है, नाम रोशन किया है और हिंदुस्तान का जो परचम है उसको लहराया है। तो हिंदुस्तान की निघत जरीन ने तारीख रकम करते हुए वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया है और उनका मुकाबला आपको बता दें थाईलैंड की जिटपोंग जूतामास से हुआ था, जिनको उन्होंने 5-0 से शिकस्त दे दी है। यानी कोई मुकाबला ऐसा नहीं रहा जिसको काउंट किया गया हो जिटपोंग में। तो 5-0 से शिकस्त देकर तारीख रकम की।